का पत्ता लगा रहा है एक ड्रम के ऊपर। चाइना में कितने सारे फ्लेवर के मुर्गी के पंजे मिल जाएंगे, बन रहा है चाइनीज डोसा। कितने सारे चाइनीज व्यक्ति खड़े हैं, लड़कियां से नेके बत्तख की चोंच है चाइना में ऑमलेट बनाने का। छोटे छोटे झींगे हैं, इन्हें सुअर के घुटने, सुअर की रीत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं हूँ चेन में और आज मैं आपके लिए चलता हूँ चाइना की एक स्ट्रीट मार्केट में, स्ट्रीट फूड मार्केट में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि चाइना में जो स्ट्रीट फूड मार्केट हैं वो किस टाइप से लगी होती हैं और किस टाइप की वो होती हैं, और उन रेडी पटरियों के ऊपर चाइना में किस किस टाइप का स्ट्रीट फूड मिलता है। तो दोस्तों आपको मैं ले चलता हूँ चाइना की स्ट्रीट मार्केट में। ये देखिएगा, जस्ट मेरे सामने ही है चाइना की फूड स्ट्रीट मार्केट। ये दोनों साइड रेडी पटरी लगी हुई है और इस साइड ये महिला जी जो बेच रही हैं वो फ्राइड पोटैटो हैं, आलू को तल के तब बेचती हैं, आलू को रिफाइंड ऑयल में तल के। और ये है एक चाइना का बहुत ही फेमस फूड, स्ट्रीट फूड, ये फ्राइड टोफू है। टोफू, ये फ्राइड टोफू है। ये देखिएगा, काला काला बना दिया इन्हें तल के। इसमें ये लहसुन और ऑयल की चटनी और मिर्च की चटनी, हरा धनिया, हरी प्याज डाल के, और ये उबली हुई वेजिटेबल्स हैं और मांस भी है। इन लोगों ने दो सेक्शन बनाए हुए हैं, एक तरफ वेजिटेबल्स का, एक तरफ मांस का। ये देखिएगा, ये बत्तख का मीट है, ये बत्तख की नेक है, ये बत्तख की चोंच है, और ये बत्तख के पंजे हैं, वो सीड्स हैं, वो भी बत्तख के पंजे हैं, मतलब ये बत्तख की लेग्स हैं, वो बत्तख के पंजे हैं। ये देखिएगा, और ये कद्दूकस किए हुए आलू हैं, आलू की टिक्की टाइप बना रहे हैं रिफाइंड ऑयल में तल के। ये भी एक बहुत ही फेमस चाइनीज स्ट्रीट फूड है। हेलो, जस्ट मेरे सामने ही ये कौन, ये मक्की का जूस बना के देते हैं, मक्की का सेक, जैसे मैंगो सेक बनता है ना, ऐसे ये भुट्टे का सेक बना के देते हैं। भुट्टे के, इसके मक्की के दाने निकाल लेते हैं चक्कू से और फिर उस मिक्सी में घुमा के, वो देखिएगा मिक्सी में घुमा के, और ये सेक बना के देते हैं, भुट्टे का सेक है ये। चिका तो सब छेनी का, ये देखिएगा एक है, ये 74 रुपए का है, ये भारतीय रुपए में देखे अगर 6 युआन का एक है। ये देखिएगा, और ये चिकन लेग्स है, और ये चाइनीज चाउमीन है। ये देखिएगा चाउमीन में ये सब आइटम डाल के देते हैं, चाउमीन बना के देते हैं। और इस साइड में क्या मिल रहा है, इस साइड में भी नूडल्स हैं, चाइनीज टाइप के नूडल्स। और ये देखिएगा, ये छोटी छोटे 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 झींगे हैं, इन्हें भी ये इस चाउमीन में डाल के देते हैं। और दोस्तों ये ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस को इसमें, ऑक्टोपस को इस ऑयल में डीप फ्राई करके तब देते हैं। और ये फ्राइड राइस मिलते हैं यहाँ पे, आप फ्राइड राइस खरीद सकते हो। ये देखिएगा दोस्तों, चाइना में ऑमलेट बनाने का तरीका, पहले मक्की के आटे का बैटर नीचे फैलाया जाता है, फिर उसके ऊपर एक अंडा डाल दिया जाता है। और ये सुअर का मांस, और ये सब अलग अलग टाइप्स के अंडे हैं, एक विशेष प्रकार के पानी में उबाल के तब ये फूड दिया जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ मसालों का पानी होता है, और चाइनीज मसाले के पानी में, मसाले के पानी में उबाल के तब देते हैं ये लोग। और ये चाइनीज, और ये व्यक्ति टेम्पर्ड ग्लास लगा रहा है मोबाइल फोन्स वगैरह पे। और ये देखिएगा दोस्तों, ये आलू, निहाओ 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 निहाओ, ये खुदोबीन समा तो यह है चाइनीज सूप, जैसे हमारे यहाँ टोमेटो सूप, लंगपंग सूप, और यहाँ पे मिलता है ये चिकन सूप, और चिकन का पेस्ट है। ये देखिएगा, चिकन का पेस्ट बना रखा है उन्होंने। और दोस्तों ये भारे हैं एक विशेष प्रकार का दूध, उसमें ये सब आइटम डाल के, ये मिश्री है, ये किशमिश है, ये बेर हैं, ये सौंफ टाइप है, नाइछा बोलते हैं इसको चाइनीज में, नाइछा। और ये चाइनीज व्यक्ति विशेष प्रकार के पॉपकॉर्न बेच रहे हैं, मक्की के दाने अलग अलग फ्लेवर के, मीठे होते हैं यहाँ के पॉपकॉर्न, और ये मक्की है। और ये है चाइनीज हलवा, वो पुमा है, पुमा है। ये देखेगा दोस्तों, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्टोपस हैं, बहुत सारे टाइप्स के ऑक्टोपस हैं, और काट काट के इन्होंने डाल रखे हैं, और उसमें मिर्च के पेस्ट में, पहले उसमें उस तेल में तलते हैं, फिर इस मिर्च के पेस्ट में लेप करके आपको देंगे खाने के लिए। और ये है पिग, ये है सुअर के घुटने, सुअर की रिब्स, और सुअर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं। ये बत्तख है, बत्तख की चोंच रखी है,
ये देखेगा, ये कॉफ़ी बेच रहे हैं, कॉफ़ी, चाइनीज कॉफ़ी बना के। लव मी फैन। ये देखेगा दोस्तों, ये है राइस और ये सुअर का मांस, ये है मछली, ये मिर्च और ऑयल की चटनी है, ये कद्दूकस के आलू हैं, ये मूली है और बहुत सारे टाइप के मसाले रखे हुए हैं, ये फ्राइड पोटैटो है। और दोस्तों ये है इस राज्य का विशेष फूड, ऐसे कोलों के ऊपर मांस को सेक के देना और फिर मिर्च मसाला डाल के तब चाइनीज व्यक्ति से बहुत ही चाव से खाते हैं। ये देखिएगा मेरे पीछे कितने सारे चाइनीज व्यक्ति खड़े हैं, लड़कियां ऐसे खरीदने के लिए खड़ी हैं। और दोस्तों ये बन रहा है चाइनीज डोसा। डोसा कैसे बनता है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिएगा, चावल के आटे को फैला दिया है तवे के ऊपर और एक अंडा डाल दिया है। ये काले तिल डाल दिए हैं इसके ऊपर, इसे पलट और अब इसे पलटा जाएगा। दोस्तों सुअर का मांस है, सुअर के मांस को थोड़ा सा तेल लगा दिया इन्होंने और ये खट्टी चटनी है, इमली की चटनी है, मिर्च और ऑयल की चटनी है। ये हरी प्याज है, ये हरा धनिया है, ये कद्दूकस किए हुए खीरा है, ये कटी हुई प्याज है और ये मूली का अचार है, वो कद्दूकस किए हुए आलू है और ये और ये पापड़ी है। ये देखिए दोस्तों, और ये अब जो सैंडविच में पत्ता डलता है, हरा पत्ता, वो वाला पत्ता है, बन के तैयार है। अब कट करके इसे परोस देंगे, दो अंडे लहसुन डाल देंगे, पैक कर दिया है, पैक करके चाइनीज लड़की को दे दिया है। ठीक है सर, नी ये चिकन लेग्स और बत्तख के लेग्स हैं, भुनी हुई शकरकंदी, भुने हुए आलू, हाँ। और ये देखेगा दोस्तों, चाइना में जापान का विशेष फूड मिलता है, जापान का स्ट्रीट फूड होता है, ये जापान में खाया जाता है, चाइना में मिल रहा है अभी। और दोस्तों ये है चाइनीज विशेष प्रकार की नूडल्स जो कि फॉइल पेपर में ही बनाई जाती है। देखिएगा दोस्तों, यह है शंख जो हमारे यहाँ पे घोंगे शंख है। इन सारी सब्जियों को और मांस को उस पानी में उबाल के तब दिया जाता है, वो एक विशेष प्रकार के मसाले का पानी बनाया हुआ है इन लोगों ने, उस पानी में उबाल के तब दिया जाता है। अच्छा दो। ये देखिएगा चाइनीज फूड, नहीं हाँ। ये देखेगा दोस्तों, आपको चाइना में कितने सारे फ्लेवर के मुर्गी के पंजे मिल जाएंगे, अलग अलग फ्लेवर के मुर्गी के पंजे हैं, लेमन फ्लेवर, चिली फ्लेवर और तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, तो पूरा का पूरा ऑक्टोपस चला जा रहा है एक ड्रम के ऊपर, ड्रम को काट के उसकी भट्टी बनाई हुई है और ऑक्टोपस से चल रहा है चाइनीज व्यक्ति। बहुत बुरी बदबू आ रही है यार इसमें से। ये देखिएगा इसके पास कितने सारे टाइप के ऑक्टोपस हैं, ये मक्की है, कुछ मैदे से बने हुए प्रोडक्ट हैं और इसे फ्रेश रखने के लिए इसने लगाई हुई है, ये भाप फेंक रहा है इनके ऊपर इस मशीन पर। और ये देखिएगा दोस्तों, चाइना में भी आप गन्ने में भी गन्नों का आनंद उठा सकते हो सर्दियों में, चाइनीज गन्नों का साइज, कितना मोटा गन्ना होता है चाइना में। ये देखिएगा दोस्तों, चाइनीज फूड स्ट्रीट मार्केट ख़त्म हो चुकी है और अब हम चलते हैं अपने घर की ओर, प्रस्थान करते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं चाइना के एक और नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ओके दोस्तों, बाय बाय।